बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, SQS Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं आपके साथ शिप्रा सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मुस्लिम इलाकों में CA का खौफ साफ नजर आ रहा है। सोते जागते कुछ लोगों को हर जगह CA का भूत परेशान कर रहा है। संभवतः यही कारण रहा कि बीते दिवस निसारी गेट इलाके में पोलियो की ड्रॉप पिलाने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम को लोगों ने कुछ समय के लिए बंधक बना लिया और उनके कागजात फाड़ डाले। स्वास्थ्य विभाग ने एक व्यक्ति को नामजद करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ निसारी गेट थाने में FIR दर्ज कराई है। CA लागू होने के बाद मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में इसका व्यापक विरोध हो रहा है। पिछले दिनों ही इसे लेकर शहर में खासा बवाल हुआ था, जिससे 6 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई थी। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि ये मौत पुलिस की गोली से हुई है, जबकि पुलिस ने दावा किया है कि उपद्रवियों द्वारा की गई फायरिंग में ये जाने गई हैं। बहरहाल 6 घरों में जरूर मातम पसरा हुआ है। अब इसके बाद हालात यह है कि मुस्लिम इलाकों में सर्वे अथवा विवाह काम करने वाले लोगों को भी संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। ऐसा ही नजारा बीते दिवस देखने में आया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की एक टीम लिसाड़ी गेट के लखीपुर मोहल्ले गली नंबर 35 में पोलियो की ड्रॉप पिलाने गई थी। वह घर घर जाकर बच्चों का रिकॉर्ड ले रही थी और स्वास्थ्य की 2 बूंद जिंदगी की भी पिला रही थी। तभी वहां कुछ लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने टीम का विरोध शुरू कर दिया। इन लोगों का विरोध यह था कि सर्वे किस बात का किया जा रहा है, क्या ये CA का सर्वे है। इस पर टीम ने समझाया कि ऐसा नहीं है, पोलियो ड्रॉप पिलाने के साथ ही संबंधित बच्चों का रिकॉर्ड भी लिया जाता है, वह इसी काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनकी बात को किसी ने नहीं सुनी। मेरी पोलियो टीम जो है वर्क करने गई थी फील्ड में, लखीपुरा क्षेत्र में गली नंबर 35 में, तो वहाँ पर मेरी टीम ने कुछ बच्चों को दवाई पिलाई, कुछ को नहीं पिला पाए, मना कर रहे थे वो लोग, विरोध कर रहे थे। तो फिर वहाँ के कुछ लोग इकट्ठे हो गए, इन्होंने बंदी बना लिया सब, जो हमारे पेपर थे वो फाड़ डाले इन्होंने, और फिर इन्होंने क्या नाम, जब इनको रोक लिया गया, पकड़ लिया गया, फिर हमारे इन्होंने हमको फ़ोन किया, हम हेल्थ पोस्ट पे थे, हमारे डॉक्टर साहब गए, ये डॉक्टर साहब गए, डॉक्टर दीपक गए, मैं गया था, और हमारे फार्मेसिस्ट थे वो भी गए थे। तब हम किसी तरह से एक वहाँ पे किस वजह से वो विरोध कर रहे थे, क्या कहना था उनको, वो समझे क्या थे आपको? वो ये कह रहे थे कि तुम दवाई नहीं पिला रहे हो, हमको कुछ डेटा लेना होता है ना, कि जिस बच्चे ने दवाई नहीं पी है हम जो है उसका डेटा लेते हैं कि मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, इस तरह से हमको लेना होता है, हमको ऊपर भेजना होता है। तो वो उसी का विरोध कर रहे थे, तुम ये डेटा क्यों ले रहे हो, जबकि हमने उनको समझाया था कि आपके बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। नहीं, वो यही कह रहे थे कि अभी ये सब चल रहा है, क्या नाम है कि NPR NRC चल रहा है, इस वजह से हम डेटा नहीं दे रहे हैं, इसी चीज़ का विरोध कर रहे थे कि तुम पोलियो वाले नहीं हो, तुम वही हो कि जो डेटा ले रहे हैं, और क्या नाम है, हमको जो है ऐसे ऐसे कर देंगे, देख निकालने के काम तो हो रहा है इस तरह। इसी वजह से पिटाई, पिटाई नहीं की, बंदी बनाया गया, पकड़ा गया, कोशिश की गई, लेकिन फिर अपनी समझदारी से हम लोग वहां से निकल आए। टीम के साथ धक्का मुक्की के बीच उनके कागजात भीड़ में फाड़ डाले। टीम के सदस्य किसी तरह वहां से बचकर निकले। इस बारे में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने विरोध करते हुए टीम के कागजात फाड़ दिए हैं। इस सिलसिले में इमरान समेत कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार। ये लिसाड़ी गेट एरिया में लखीपुरा मोहल्ले में गली नंबर 35 में हमारी टीम पोलियो का काम कर रही थी, घर से घर जाके भ्रमण कर रही थी, तो वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि आप ये लिखा पढ़ी क्यों कर रहे हो। उसमें छोटे बच्चों का डाटा लिया जाता है, छोटे बच्चों का जब डाटा लिया जा रहा था तो उन्होंने पूछा कि क्यों डाटा ले रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम पोलियो वाले हैं, पोलियो की टीम, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका डाटा लिया जाता है कि कोई छूट ना जाए। तो उस पर उन्होंने प्रतिरोध किया और उनके कुछ कागज़ वागज सब फाड़ दिए थे, बुकलेट फाड़ दी थी, तो उसकी हमने तहरीर दे दी है थाने में लिसाड़ी गेट में उसी दिन। सर कितने लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है? उसमें एक आदमी तो नोन था, कोई इमरान नाम का आदमी था, बाकी सब जो है अज्ञात में थे। सर टीम के साथ कोई मारपीट भी की गई है? नहीं, मारपीट नहीं हुई थी टीम के, बस उनका घेराव कर लिया था। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।